नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम आठवें मॉड्यूल सीखने के आकलन के मूल्यांकन में पूछे जाने वाले सभी 40 प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, क्योंकि आपसे मूल्यांकन में कोई भी 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखेगा। और इससे पहले के मॉड्यूल 8 के गतिविधि और मॉड्यूल 7 के गतिविधि और आकलन प्रश्नोत्तरी की वीडियो भी आपको चैनल पर निष्ठा 3 प्लेलिस्ट और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से उसे देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही सभी कोर्सेज के बिल्कुल सही उत्तर जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए अब आकलन प्रश्नोत्तरी देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है। इसका सही जवाब है सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है। इसका सही जवाब है एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने का अवसर। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा। इसका सही जवाब है समग्र स्वरूप का। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है, शिक्षक बच्चे की डैश में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। इसका सही जवाब है बुनियादी संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं, गणित या हस्त कौशल क्षेत्र में नहीं होता। इसका सही जवाब है पेंट और ब्रश। अगला प्रश्न देखते हैं, आकलन नियोजित व्यवस्थित और संरचित होता है और डैश का अभिन्न अंग होता है। इसका सही जवाब है पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, एक HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतकों में शामिल है। इसका सही जवाब है 21वीं शती कौशल, जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेक्षण और सहयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है। इसका सही जवाब है बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए। इसका सही जवाब है यदि बच्चा सहज नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। इसका सही जवाब है उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। अगला प्रश्न देखते हैं, आकलन सूचना शिक्षक की FLN पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है। इसका सही जवाब है बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने से सीखना बन जाता है। इसका सही जवाब है सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। अगला प्रश्न देखते हैं, परिभाषा से 360 रिपोर्ट है। इसका सही जवाब है समग्र और बहुआयामी। अगला प्रश्न देखते हैं, खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक डैश को बढ़ावा देते हैं। इसका सही जवाब है भाषा और संप्रेषण कौशलों। अगला प्रश्न देखते हैं, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन डैश सुनिश्चित करने में सहायता करता है। इसका सही जवाब है सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। अगला प्रश्न देखते हैं, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। इसका सही जवाब है प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। अगला प्रश्न देखते हैं, हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को FLN सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। इसका सही जवाब है खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौने खेल। अगला प्रश्न है, पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है। इसका सही जवाब है बुनियादी साक्षरता। अगला प्रश्न देखते हैं, जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक डैश में प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा है। इसका सही जवाब है बुनियादी साक्षरता। अगला प्रश्न देखते हैं, गणित या हस्त कौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा।
इसका सही जवाब है संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न देखते हैं। छोटे बच्चों के FLN के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। इसका सही जवाब है विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है? इसका सही जवाब है कक्षा में उत्तर देना। अगला प्रश्न है, जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा होता है तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की डैश में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। इसका सही जवाब है बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास की विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है? इसका सही जवाब है सीखने के गतिविधि केंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। इसका सही जवाब है साथी शिक्षक से बात करना। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। इसका सही जवाब है बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने और समस्या समाधान करने में सहायता करना। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता? इसका सही जवाब है ब्लॉक बिल्डिंग। अगला प्रश्न है, HPC कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। इसका सही जवाब है अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। जारी आकलन सूचना डैश के लिए आवश्यक है? इसका सही जवाब है विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब है गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। अगला प्रश्न देखते हैं। गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है? इसका सही जवाब है 360 डिग्री। अगला प्रश्न है, FLN में आकलन का उद्देश्य है? इसका सही जवाब है बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है? इसका सही जवाब है पेंसिल को निर्दिष्ट डब्बे में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन डैश सुनिश्चित करके दे सकते हैं? इसका सही जवाब है आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्त कौशल्य वस्तुएं। अगला प्रश्न, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा? इसका सही जवाब है एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू। अगला प्रश्न देखते हैं। FLN में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। फोल्डर को कहा जाता है? इसका सही जवाब है पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए डैश के लिए? इसका सही जवाब है प्रत्येक बच्चे के सीखने। अगला प्रश्न देखते हैं। बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है? इसका सही जवाब है 3 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और डैश में मदद करेगा? इसका सही जवाब है उन्हें स्वस्थ संज्ञानात्मक और भावात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने। अब इनमें से जो भी 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएं, उनका सही जवाब देते हुए आप 20 में से 20 अंक हासिल कर सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।